उतरा मम्मी का, पूरी तबीयत तबीयत खराब करा ली पीछे से। क्या टेका, क्या खाया आपने? ये कोई कोई हम पे टूट के गिरा रहा, ये तो पक्का हो गया। कभी पापा की तबीयत खराब नहीं तो कोई ऐसे कोई पेट का इन्फेक्शन होता है क्या? जो पापा खा रहा है वही मैं खा रही हूँ। बोलो हाँ। कौन गिरा रहा है ये, चुपचाप बता दो। राम राम साहब, तो स्वागत है आप सभी का बावले छोरों की डेली व्लॉगिंग्स पे। तो भैया आज सुबह की बज रही है 6, हम उठ तो चुके हैं, अब नहाएंगे धोएंगे तैयार होएंगे। तो आपको बताते हैं, यहाँ वैसे गर्म पानी की अभी आज व्यवस्था है नहीं, तो गर्म पानी कैसे करेंगे, कैसे नहाएंगे और कैसे घर पहुंचेंगे वो आपको बताते हैं। जो इस व्लॉग में आपको अच्छा लगे कमेंट करके बता देना। घर से आके भी पढ़ने वाले क्योंकि 2 दिन हो गए घर से बाहर है, पापा बोल रहे नहीं अभी तक। जैसे इस रूम में डिसेंट लाइट है तो अलग से लाइट लगा के खुद की और फिर व्लॉग शूट करना पड़ता है क्या, वो नहीं तो लो लाइट आ जाती है ना। और एप्पल का फ्रंट कैमरा थोड़ा सा धुस धुस है। अभी जैसे सुबह सुबह गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है तो लफड़ा ये हो रहा है कि नहाए कैसे, मगर हम क्या है मारवाड़ के चीते हैं। तो अभी आपको बताते हैं हम क्या व्यवस्था साथ में लेके चलते हैं कि हम अभी गर्म पानी करेंगे और गर्म पानी से नहाएंगे भी। तो ये हमारी गाड़ी में एनी टाइम पड़ी रहती है। डेढ़ लीटर की वाटर बोतल गर्म करने की, तो हम इससे पानी गर्म करेंगे। देखो मैं बार गर्म पानी की बोतल लेने गया तो बेटा सो गया वापस। नहीं मैं सो नहीं रहा हूँ, केवल ऐसे लेट के देख रहा हूँ कैसा लगता है। अच्छा छोटा उठ जा चल फटाफट सोने दो अभी। ये है बाहर का मौसम और इधर उकल रहा है हमारा पानी, ये हो रहा गर्म पानी। हाँ तो क्या चोट हुई है भाई साहब? सबसे मोटी चोट ये हुई है कि आज चंद्र ग्रहण है तो सूतक लग चुका है, हमको ये ध्यान नहीं था, मतलब ध्यान था याद नहीं है। नालिये धोलिये तैयार हो गए, अब शाम को वापिस नाना धोना तैयार होना पड़ेगा। अच्छा तो बिना नहाए धोए चले जाते, पोपट हो गई। तो मैं भी नहा धो के तैयार हो गया हूँ, वो भी नहा धो के तैयार हो गया है और अब क्या है कि जाने की तैयारी है। मगर ये देखिए हमारे भाई साहब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है अभी? मैं वो अपने तो ये इंस्टाग्राम की रील्स एडिट कर रहा है। देखो कितने मेहनती लोग हैं हम, कहीं पर भी बैठ के काम पहले करते हैं, खाट में बैठ के मजे से आराम से एडिट कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है जैसे मेरे क्या है, मैं बोलना तो चाहता हूँ मगर मेरे मुंह में रह जाती है। तो भैया ये कर रहा है एडिट और एडिट वेडिट पूरा हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से पाली की ओर, ठीक है जय राम जी की। तो ये मौसम ने अंगड़ाई ली है, मौसम बदल रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी और मेरा कंधा दुख रहा है फिर भी काम करा रहा है ये मेरे से। अबे साले जानबूझ के कैमरे के सामने ले गया था और मेरे को बदनाम करता है। अभी देखो गाइस हमेशा कौन उठाते हुए दिखता है आपको, सामान मैं देखो, मेरा कंधा दुख रहा है फिर भी मेरे साथ उठाया तो तुमने उस हाथ से था। दुख तो ये आता है ना मेरा। तो अब चल रहे है कि नहीं चल रहे? जाने की इच्छा तो नहीं हो रही मुझे, जाना तो पड़ेगा नहीं तो घर पे फूट ही जाएंगे। देखो इतनी देर कैमरे के सामने नाटक कर रहा था, केवल पीछे वाला बैग लेके जा रहा है। तो ये रे माही भैया भी उठ गए हैं और गुड मॉर्निंग। तो यहाँ का आनंद, तो यहाँ का आनंद है। माही भैया को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं करती मगर वहाँ पीते बिल्कुल बिल्कुल यही रहे और क्या है? ये तो चाहते हैं कि हम यहाँ रहे प्रेम, मगर फिर क्या है ये प्रेम, यहाँ पे प्रेम दिमाया ना तो वहाँ पे प्रेम पापा नहीं पाएंगे। तो अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत शानदार मजा आता है यहाँ पे, आनंद है आनंद। अब इतने जने हो तो सामान कैसे आवे, जबरदस्ती कैसे न कैसे माना पड़ता है। तो ये चले हम मिलते हैं माई भैया से अगली बार। हैप्पी जर्नी और डूंगसा खाना जोरदार। तो ये केबल किसकी है? ये संजू भैया की। तो भैया आप पुष्कर में घूम तो लिए, सब कुछ कर लिए, मजा कर लिया, आप गाड़ी की हालत देखो कितनी गंदी हो रखी है। देखो अरे ये देखो, ये दिखा दो, ये देखो ये देखो ये देखो गंदी हो रखी। अब इतने दिन से धोना टाल रहे थे, अब तो धुलवानी पड़ेगी, अब धोनी पड़ेगी। हम क्या गाड़ी को धोते हैं ऐसे समझ लो महीने में 2 बार बस, उससे ज्यादा नहीं, बेचारी को ठंड लग जाती है। तो भैया लौट के बुद्धू घर को आए, मोटे देख तेरा पेट आ रहा है, गायब करता है। पाली आ चुके हैं और अब संजू भैया को छोड़ेंगे संजू भैया के वहाँ पे और उसके बाद पहुंचेंगे घर। और आज जैसे कि पता है ग्रहण है तो आज का काम यही है, जाके आराम करना जब तक ग्रहण खत्म नहीं हुआ।
तो वो पाली तो पहुंच गए थे, मगर अभी पापा का जैसे फोन आया कि मम्मी के क्या है कि स्टमक इन्फेक्शन हो रखा है, तो मम्मी की दवाई लेने आया अभी हम, वो लेके फिर घर निकलेंगे। तो मेन कारण जल्दी आने का ये भी था, एक कि हमें आज आने का कि मम्मी का स्टमक इन्फेक्शन हो गया है। रोज कोई ना कोई रामायण रहती रहती, पता नहीं किसकी नजर लग रखी, कोई टोने टोट के करा रहा है। हाँ, जो भी करा रहा है ना, याद रखना महादेव जी पीछे पड़ गए ना हमारे वाले, तो जगत में भागते फिरोगे। ये ले भाई, तो चले। तो संजू भैया का स्टॉप आ गया है, अब संजू भैया को छोड़ के फिर हम चलते हैं घर। बस यही एक रामायण थार की। तो अब अपन चलते हैं घर। चलो जी, आ गए हम घर। दिखा इसको, दिखा, बजा एक बार, देख क्या लाया। तो इनको बाद में तैयार करेंगे, उसका व्लॉग अलग से बनाएंगे पूरा, वो उस वाले चैनल पे। वाह, घर कितना साफ है। हम बाहर इसीलिए जाते ताकि घर साफ रह सके। कितना साफ है देखो, हम होते तो पूरा यहाँ पे सब फैलावड़ा पहला। अब जैसे हम गाड़ी में रहते तो गाड़ी गंदी, हम है ही गंदे। बेटा कह रहा था ना सामान उठा रहा हूँ, ये देखो सब मेरे ऊपर डाल के गया, मैं अकेला लेके जा रहा हूँ, केवल कैमरे में नाटक कर रहा था बेटा। तो गाइस हम आ गए हैं, आने के बाद हम आशीर्वाद ले रहे हैं। आयुष्मान भाव, यशस्वी भाव, पाव प्रणाम। देखा पेड़, देखा पेड़ घुस गया अंदर, वो पीछे करके बैठो। आराम से बैठो। तो आपको भी दो दिन में पेट घुसाना हो अंदर, तो पापा से आके संपर्क करे। मम्मी का पूरी तबीयत तबीयत खराब करा ली पीछे से, क्या टेका क्या खाया आपने पूरी रात? ये कोई ना कोई हम पे टोट के करा रहा, ये तो पक्का हो गया। कभी पापा की तबीयत खराब नहीं तो कोई ऐसे कोई पेट का इन्फेक्शन होता है क्या? जो पापा खा रहा है वही मैं खा रही हूँ। अब बोलो, हाँ। कौन करा रहा है ये, चुपचाप बता दो। हाँ तो मित्रों, आप लोगों को अगर पता पड़े ऐसा कोई कुछ करा रहा है तो उस पे है ना वापस टोट के करा देना, और मम्मी तो ठीक हो जाएगी। देखो अब हम आ ही गए, चंद्रग्रहण का असर तुला पे है, देखते हैं क्या। भाई भगवान से प्रार्थना करते सही हो जाएगा, ठीक। और कमला भाई की करो, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा कर दो, हैंग ऑन जय श्री कृष्णा कर दो, जय श्री कृष्णा। देखो आपको एक चीज दिखा, जैसे कहा था ना आज ग्रहण है, तो ग्रहण के सूतक में देखो मंदिर बंद है, तो हम सुबह ऐसे ही नहा ली। वापिस नहाना पड़ेगा, वापिस नहाना पड़ेगा ग्रहण खत्म होने के बाद। याद नहीं आया नादे में होता है ना, तो ग्रैंड साइज से पहले तो मैं आगे आगे, अब तो नहीं नाए भाई, अब तो पता है 5 बजे तो लग गया। तो पापा ने कहा, मम्मी ने क्या किया, क्या किया मम्मी ने, ये चाय पी के ये रख दिया कप। मम्मी की तो तबीयत खराब है इसलिए, और इसमें पापा ने हाथ धो लिया, बाहर जाके हाथ भी नहीं धोए, तो मम्मी को आज ही बता। ये चूकती है क्या, मैं रखता हूँ तो चूकती है क्या, हर तो मेरे को ही गलती है ना, हर तो मेरे को गलती, धोखा मेरा लगा, मैं नहीं कहूंगा क्या। मम्मी की तबीयत खराब है तब रखती है मम्मी, आप तो मम्मी की तबीयत खराब है तो जल्दी ठीक हो जाओगी आप, नहीं पड़ेगा है ना। मम्मी की तबीयत खराब है तो मेरे को मम्मी के यहाँ पे सोना पड़ेगा, तो मेरे मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी। साला काम किया नहीं कुछ। तो हम लोग हमारा ही एडिट किया व्लॉग देख रहे हैं टीवी पे चला के, ये देखो ये चंद्र ग्रहण, पापा कह रहे हैं चंद्र ग्रहण तुला राशि वालों पर भारी है, पापा पर, मम्मी पर, और मैं कह रहा हूँ पापा तो खुद भी भारी है। भारी ऐसे नहीं, भारी है मतलब बीमारी का प्रतीक है। देख लो चंद्र ग्रहण होते ही मम्मी तुला राशि है तो मम्मी बीमार हो गई, और पापा वैसे बीमार है, पापा वैसे बीमार है कमर का, और कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है। तो देखो हमको क्या, देखो क्या फायदा मिलता है बताते हैं आपको, पापा की मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए वही फायदा अपने देते ना बस। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको बताया ग्रहण का सूचक चल रहा है, तो आज दिन में नहीं सोने वाली जो कंडीशन थी उसको सूचक में हमने टाल दिया है, और हम जाके सो रहे हैं। भजन करो, भजन ग्रहण में सोते नहीं है, भजन करते हैं भगवान का। तो मैं भजन ही कर रहा हूँ, मैं आके बंद करके बढ़िया 1-2 घंटे भजन करूंगा, भगवान को याद करेगा, ओम नमः शिवाय आके बंद करके 2 घंटे में बढ़िया मतलब निद्रासन कर रहा हूँ, निद्रासन। तो फ्रेंड्स देखो पापा कैसे हैं, यहाँ सो रहे हैं पापा,
और खुद का मोबाइल यहाँ पे चार्ज में लगवाया है जहाँ मम्मी सो रही है, ताकि यहाँ पे बजे तो मम्मी परेशान हो। इस पे आप क्या कहोगी? क्या कहूंगी पापा के आगे किसकी चलती ये क्या कह रहे हो आप, क्या कहना चाहोगे? म्यूट करके रखवाया है। हैं? म्यूट किया है। मैं देखा उसमें म्यूट ही नहीं है। म्यूट मैंने किया मेरे हाथ से। मैं देख के आता हूँ, रुको। तो फ्रेंड अपन देखते हैं ये साइलेंट है क्या। ये फ्रेंड्स साइलेंट तो है, अपन इसको वापस उस पर कर देते हैं नॉर्मल पे। ये इसको कर दिया, अब ये साइलेंट नहीं है, साइलेंट ऑफ। अब पापा को, अरे साइलेंट अब हुआ है, हाँ वाइब्रेट। रुको इसको फ्रेंड्स अपन करते हैं गोचा मारी। क्यों कर रहा है तो गोचा मारी? कहाँ से होता है ये वाइब्रेट के बाद? हाँ तो अपन ने इसको कर दिया फ्रेंड्स रिंगिंग पे, और अब आप जाके पापा को अपन कहेंगे मम्मी इस फोन पे रिंग करना, वहाँ पे जाके आप रिंग आएगी, जब फिर कहना आप चिल्लाओ साइलेंट नहीं है, बोलो बोलो साइलेंट नहीं है बिल्कुल भी। तो अब अपन जाके बोलते हैं, ये देखो नहीं है साइलेंट, देख लो नहीं है साइलेंट। अच्छा फोन साइलेंट कोई हमने तो किया ही नहीं, फोन लगा पापा के फोन पे साइलेंट है, नहीं है साइलेंट। मैं जानता हूँ तुमको। नहीं हमने तो कुछ किया ही नहीं, आप वीडियो देख लेना। बोली तुम्हारे कहने से क्या हुआ? मैं जाना मेरे हाथ से किया मैंने, तो हमको इसमें साइलेंट तो दिखाई नहीं था। फोन कर पापा को, सुने दे मुझे जल्दी। अरे तो बज नहीं रहा, मैंने इसको तो साइलेंट से हटाया था फिर भी नहीं बज। देखो कितनी सेवा करता हूँ मैं। तो देखो कमला भाई गाड़ी साफ कर दिए, गेट खुला छोड़ दिया, अंदर कौन आएगा देखो। तो कमला भाई थाने ध्यान ही कौन भागे कमला भाई भागे। रात का सारा आटा खा गई बेटी। तो हम लोग जा रहे हैं चंद्र ग्रहण देखने। चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है, चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। तो पहले ऊपर जाके देखते हैं कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा है। ऊपर तो क्या हुआ, दिख रहा है? यहाँ तो चांद ही नहीं दिख रहा है, बादल जरूर आ रखे हैं। मेरे हिसाब से उस तरफ है या कहीं तो होगा, कहीं नहीं है। मौसम में देखो बदलाव आ गया है। हाँ मौसम थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है एकदम, वैसा मतलब हमेशा ऐसा मौसम नहीं रहता है। वैसे लग रहा है कोई जादू सा माहौल है। साढ़े छह बज रही है, ग्रहण हो चुका है कंप्लीट। कहाँ जा रहा है भाई? अब जाएंगे नहाने, सूतक उतर चुका है तो पूरा नहा दो के वापस। ग्रहण उतर चुका है, डबोल सूतक तो पहले था। तो हाँ वो ग्रहण भी उतर चुका है, सूतक दोनों उतर गए। ठीक है तो अब अपन नहाने जा रहे हैं, क्योंकि शाम को नहाना पड़ेगा, जोर आ रहा है मगर नहाना तो पड़ेगा। चलो चलो देख लो मेरा हाथ उठे फिर मेरे से काम करा रहा है ये साला। मेरे को कहता वीडियो बना, मैं बाल्टी रख रहा हूँ, फिर कहता मेरा हाथ दुख रहा है। चोर तेरा हाथ तो ठीक हो ही नहीं रहा है ना, दुख रहा है वाला जोर से। कौन सा दुख रहा है? इसने दूसरे से उठाई है। नहीं नहीं इस हाथ से उठाई थी मेरा, ये दुख रहा है। अच्छा देखो कहा था ना कि तेरे को कहा किसने उठा मेरे को, तू तो खुद ही बेटा के वीडियो बना मेरी। जलेबी हो गई। तो आज दिए दिवाली है, मम्मी दिए लगा रही है देखो। तबीयत खराब होते हुए देखो मम्मी काम कर लिया ना, मम्मी दिए तो लगानी पड़ेगी। हाँ और तू क्या कर रहा है? अपन गंगा जल छिड़क रहे हैं, ग्रहण के बाद सब घर में गंगा जल छिड़कना पड़ता है ना। हाँ ताकि स्वच्छता आ जाए। और इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद करेंगे हम, आज मंगलवार है तो मंगलवार को बालाजी वाले जो पाठ करते वो पाठ करेंगे। तो जो मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं और भाई और उनकी बहन जो भी वीडियो देख रही है तो उनको भी गंगा जल से पवित्र कर देता हूँ। स्वाहा 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 नहीं पवित्र मंत्र तो मैं बोलूंगा नहीं, इतना बोलूंगा स्वाहा।
काली की द्रास कपीस बसेगी रे जात महाप्रभु पंत निहार हो चौकी महामुनि शाब दियो तब चाहिए कौन विचार विचार हो खेदी जरूर बलिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवार हो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। क्या कर रहे? मैं अभी जो जो कमेंट आए ना व्लॉग पे उनको देख रहा हूँ और उनके रिप्लाई दे रहा हूँ। जो जो बढ़िया बढ़िया कमेंट है, एक तो राहुल जी का है कि प्रकाश जी मैं भी आ रहा हूँ, ठहर जाओ फ्री में एसएससी लगवा था तो भूख जाएंगे लगा दी कि मस्त रही आर्ट जो आपके पापा ने बनाई है, क्योंकि मेरी भी आर्ट अच्छी नहीं है, कुछ बनाता हूँ तो अलग से ही लगता है। तो इस पेंटिंग की हम नीलामी करेंगे, इस पेंटिंग की नीलामी रखी जाएगी और स्टार्टिंग बोली होगी ₹1,00,000 ₹1,00,000 और बढ़िया बढ़िया ₹1,00,000 में हमारी पेंटिंग की कोई लीला मिले, कम से कम ₹3,00,00,000 तो होनी चाहिए। ₹3,00,00,000 तो फ्रेंड्स जिसके पास ₹3,00,00,000 हो वो संपर्क जरूर करें। शिवान चौहान का एक कमेंट आया जो सबसे प्यारा कमेंट है, वन डे यू बिकम द नंबर वन ब्लॉगर इन इंडिया। भैया आपके मुंह में घी शक्कर और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन देसी घी के मालपुए बटवाएंगे। कमेंट भी यही किया है और हमारा पसी चूरमा भेजेंगे आपको, आपको फिर से चूरमा आएगा ठीक है। अच्छा देखो मम्मी तैयार हो रही है, तैयार नहीं रही, पापा के लिए टी शर्ट ला रही है कि क्या व्लॉग में शायद दिन दुनिया में ऐसा तो। अरे ये पुराना टी शर्ट ऐसी मैंने धूम दी है, आप अगर दुबले हुए तो पुराना टी शर्ट आ जाएगा। मेरी धूम दिखेगी, मेरी धूम दिखा पुराना निकाल के लिया है। चलो मान लिया, आपके लिए सारी सब्जियां काट के तैयार रखी है और आप नमकीन दलिया बनाने वाले थे मेरे लिए। चलो आज पापा मम्मी के लिए नमकीन दलिया बना रहे, मम्मी की हो रखी तबीयत खराब और पापा ने बढ़िया टी शर्ट पहने थे, पेट को कैसे ऐसे करके खड़े हो रहे। पुराना टी शर्ट काट के लाए, धूम दिखा नहीं कुल मिला के, आप भी तो कितने 56 साल पुराने हो। कम हो गया, ओ फ्रेंड्स नहीं क्या मित्रों, देखो कितना कम, 5 साल पुराना निकला है, आप भी तो 56 साल पुराने हो। नहीं नहीं ये उस तो आज क्या करेंगे पापा? अब आज पापा बना रहे दलिया, वो भी नमकीन, वो भी नमकीन, इसीलिए इसीलिए हमने बाहर से खड़ा मंगा लिया, हम दोनों का तो बाहर जा रहा है। तो मेरे मित्र गणों स्वागत है आप सभी का रामसा की रसोई में। तो रामसा क्या कर रहे हैं जाके देखिए। फर्स्ट क्लास दलिया, खुद की तारीफ भी खुद ही करे। तो जिस जिसको ये अद्भुत दलिया खाना है वो नीचे कमेंट करो, बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होगा। देखो फ्रेंड्स मम्मी से सब कटवा लिए, सब्जी मम्मी ने काटी है, कम से कम 15 तरीके दलिया में मम्मी ने डाला है, सारा काम तो मम्मी कर रही है, कल पापा बनता ही ला रहे बस। अरे मम्मी के आए बच्चे उठ के, बच्चे तो मम्मी के ही है, मैं कर रहा हूँ सब, सब पापा कर रहे हैं, सब पापा कर रहे हैं। अगर अच्छा बना ना तब तो कहेंगे मैंने बनाया। खराब बना तो क्या तू बीच में बनता है? आज मेरा बनाया कोई खराब बना क्या पहले से बताओ? कभी भी नहीं बना, सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, एक गरीब की सब्जी को छोड़ के। तो मेरी सब्जी तो उसमें नाम ही उसका बेगुण है, बेगुण और ये वही गुण नहीं है। तो ये आ गया हमारा तो खाना और पापा मम्मी पापा का बनाया हुआ खाएंगे, हम तो स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। तो पापा अपना काम बीच में छोड़ के इधर आ गए, ये देखो ऐसे दलिया बनाते हैं पापा, आधा काम छोड़ के आ गए, रही मम्मी कर रही है मम्मी, केवल नाम खुद का बनाया। हम तो बैठ गए हमारा खाना खाने, भाई जान है तो जान है। तो पापा का बनाया हुआ, सेमी पापा का बनाया हुआ, आधा मम्मी ने बनाया था। तो कैसा लगा दलिया आपको? टेस्टी। तो फ्रेंड्स जिसको खाके देखो, लाओ आधा चखो, थोड़ा देना। क्या नाम? मल्टीग्रेन दलिया है। दलिया जैसा दलिया है। तो जिसको खाना है बढ़िया हो, खाना है आ जाना खाने के लिए। और आज के व्लॉग में आपको सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा कमेंट करके बता देना। मिलते हैं कल के व्लॉग में, कल जय राम जी की।